वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रितु और आप लोग रितु रेनबो वर्ल्ड देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन से देख के समझ आ गया होगा मैं आज एक मनी ब्रेसलेट की बात कर रही हूँ जो कि मैंने अमेजोन से लिया है एंड मैंने सिर्फ 2 या 3 हफ्ते तक ही इसको यूज़ किया है एंड इसके बेसिस में मैं ये रिव्यू करूंगी। तो जो ब्रेसलेट है वो कुछ इस तरह से दिखता है, इसको सिट्रीन ब्रेसलेट कहते हैं। सो सिट्रीन जो क्रिस्टल है वो मनी ब्रेसलेट्स में यूज़ होता है और ये एक गुड लक का भी है। सो एक टॉर्टोइस है। सो ओवरऑल ये मनी ब्रेसलेट प्लस गुड लक का ब्रेसलेट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो ये ब्रेसलेट कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही यू नो मल्टीपर्पज़ है बिकॉज मनी मैग्नेट भी है, गुड लक भी है और इसमें टाइगर आई भी है एंड सिट्रिन भी है और बहुत अमेजिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्रेसलेट जिसमें सारे काइंड ऑफ क्रिस्टल्स है। सो इट्स नॉट लाइक कि एक ही क्रिस्टल है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स भी अवेलेबल है और बहुत सारे यू नो दूसरे क्रिस्टल्स अकॉर्डिंग टू द नीड वो भी अवेलेबल है। तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो। और ये आई थिंक मुझे 300 कुछ चेंज का पड़ा है विच वॉज अ वेरी गुड डिस्काउंट ऑन अमेजोन। लिंक मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। और बहुत लोग पूछते हैं कि मैं इस स्टोन के साथ ये पहन सकती हूँ कि नहीं, ये स्टोन के साथ ये जाएगा कि नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको नीड है किसी चीज़ की तो वो आप पहन सकते हो। और क्रिस्टल थेरेपी जो है उसका थोड़ा सा रिसर्च आप ज़रूर कर लीजिए गूगल पे, बहुत सारे डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं, आपको किस हैंड में पहनना है, यूजुअली लेफ्ट हैंड में पहनना है, बहुत लोग बोलते हैं किस दिन पहनना है। सो यूजुअली डिपेंड करता है, कुछ क्रिस्टल्स जो है आप फ्राइडे पहन सकते हो, कुछ क्रिस्टल्स आप थर्सडे को ले सकते हो या फिर कोई भी अच्छा दिन लगा के आप डेफिनेटली पहन सकते हो। ऑलवेज इसको हमेशा पहने रहना है। बहुत लोग बोलते हैं कि जब आप नहाते हो तब पहन सकते हो, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसको इफेक्ट करने में आपको कम से कम 4 to 5 मंथ्स लगता है। ऐसा नहीं कि आपने पहन लिया है और वो अपना असर करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका भी एक अपना टाइम होता है तो आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, तो क्रिस्टल को थोड़ा काम करने दीजिए अपना। और अगर आप बिलीव करते हैं क्रिस्टल थेरेपी पे देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड परचेज दैट। इसमें कोई बुराई नहीं है। क्रिस्टल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि डिपेंड करता है आप कितना बिलीव करते हो किसी चीज़ पे। तो पहले आप उसकी अच्छी स्टडी कर लीजिए गूगल में, बहुत सारे आजकल वीडियोस अवेलेबल है। आई थिंक इंस्टाग्राम में बहुत सारे वीडियोस है, लाइक होल्ड लावा करके एक इंस्टाग्राम का साइट है, उसमें वीडियोस अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, तो वो आप ज़रूर स्टडी करिए। और फर्स्ट थिंग है कि आपको बिलीव करना होगा, ऐसा नहीं है कि आप पहनोगे और वो काम करेगा, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए। एंड और बहुत सारे डाउट्स जो है मैंने पहले वीडियो में क्लियर किया है। बहुत लोग बोलते हैं इसको वॉश कैसे करना है, इसको पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है उससे क्लीन किया जाता है, तो वो ईजिली अवेलेबल है अमेजोन में, आप चेक कर सकते हो। पिंक हिमालयन सॉल्ट उसमें आप डिप करके रखिए तो ये क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और भी काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि मैं ये स्टोन के साथ ये पहन सकती हूँ कि नहीं। लेडीज़ को इश्यूज़ है कि जिन दिन में मेरी तबीयत ख़राब है मैं पहन सकती हूँ कि नहीं। क्रिस्टल थेरेपी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता कि आपकी तबीयत ख़राब है तो ही आप पहनो, आप लड़के हो तो ही पहनो, लड़की हो तो ही पहनो। क्रिस्टल थेरेपी इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता है, आपको इन सब चीज़ों पर नहीं जाना है। अगर आपकी नीड है, अगर आप बिलीव करते हो कि क्रिस्टल्स एक पॉजिटिव एनर्जी ला सकता है, किसी भी चीज़ को अच्छे से आपको चैनलाइज कर सकता है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। थोड़ी रिसर्च कीजिए, थोड़ा उसके बारे में पढ़िए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जो मिथ्स है उस पर बिलीव मत करिए, बिकॉज जो मिथ होते हैं वो सिर्फ मिथ ही होता है, वो सच या फिर रियलिटी से उनका कोई भी रिश्ता नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं आज के दिन पहन सकती हूँ कि नहीं, तो एक अच्छा दिन देखिए। क्रिस्टल थेरेपी आप गूगल करेंगे तो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप PCOS के लिए पहनना चाहते हैं तो वो कौन सा दिन पहन सकते हैं वो देख लीजिए। कुछ कुछ क्रिस्टल्स जैसे मनी मैग्नेट ट्यूसडे को पहन सकते हैं, मतलब पहनना स्टार्ट कर सकते हैं, मंडे को पहन सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल। आप जो मिथ है उन सब चीज़ों पर बिलीव मत कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। मैं सारे क्वेश्चन जो है आपके कॉमेंट सेक्शन से ले लूँगी और मैं एज एन वेन रिप्लाई ज़रूर करूँगी इन सारे क्वेश्चन का, सारे डाउट्स का, जितना मुझे नॉलेज है। और अगर नहीं है तो वो डेफिनेटली मैं कंसल्ट करके आप लोग को ज़रूर बता दूँगी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके पहले मैंने टाइगर आई और थायरॉयड के ब्रेसलेट के बारे में बात किया था, मेरे पिछले वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, तो वो भी मैं यूजुअली पहनती हूँ। बट राइट नाउ मैंने इस पर्टिकुलर ब्रेसलेट का रिव्यू किया हुआ है, तो इट्स एन अमेजिंग ब्रेसलेट। और क्रिस्टल्स, बहुत लोग बोलते हैं कि फेक है या फिर असली, कैसे पता चलेगा? कोई भी क्रिस्टल्स को जब आप छुएंगे ना,
जब आप टच करेंगे एक अलग ही ठंडाहट आपको महसूस होगी। क्रिस्टल्स जनरली क्या है, वो स्टोन्स के होते हैं, उनका टेम्परेचर हमेशा से ही ठंडा ही रहता है, उनका कभी भी टेम्परेचर आपको नॉर्मल नहीं रहेगा या फिर गर्म नहीं रहेगा। क्रिस्टल्स यूजुअली हमेशा ठंडे नेचर के होते हैं, अगर आप उनको छूओगे तो आपको ठंडाहट महसूस होगी और एक अलग सी फीलिंग होगी, तो दैट इज समथिंग वो असली है नकली आपको पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप पानी में आपके ब्रेसलेट को अगर आप डिप करके रखते हो और अगर वो कलर छूटता है तो दैट्स अ फेक ब्रेसलेट, और अगर वो कलर क्रिस्टल्स कभी भी अपना कलर नहीं छोड़ेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो क्रिस्टल्स आप लिए हो या परचेज किए हो वो ओरिजिनल है या नहीं है। फर्स्ट तो इनका टेम्परेचर काफ़ी आपको ठंडा ही मिलेगा। सेकेंड थिंग, पानी में डिप कीजिए, अगर कलर निकलता है इट्स अ फेक, अगर कलर नहीं निकलता है देन डेफिनेटली दैट्स अ मतलब जेन्युइन क्रिस्टल है। उसके अलावा जब आप परचेज करते हो तो थोड़ा रिव्यूज देख के परचेज कीजिए, यही मैं बोलूँगी। इंस्टाग्राम की दो साइट्स है, एक इम्योरा है और एक कोल्ड लावा है, तो वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना, आपके जो भी कॉमेंट्स डाउट रहेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर उनको पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और एक सेपरेट प्लेलिस्ट है क्रिस्टल ब्रेसलेट्स का, वो आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स मैंने उसमें भी क्लियर कर रखे हैं। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैं वहाँ पे भी लेके आती हूँ, और इंस्टाग्राम हैंडल ऋतुपर्णा दत्ता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर।